हेलो दोस्तों, चंद्रा ब्लॉग में मैं चंद्रभान आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं राजस्थान के करौली शहर में। जी, करौली शहर में आपको मालूम है राजस्थान का दाल बाटी चूरमा मशहूर है, और उसके बाद जो नंबर आता है वो है दम आलू टिक्कर। तो आज मैं सामने आप जो देख रहे हो, ये ट्रक यूनियन चौराया है और इसी के पास श्री राम दम आलू टिक्कर वाले हैं। ये जो आप शॉप देख रहे हो, श्री राम दम आलू टिक्कर, और आइए टिक्कर देखते हैं ये कैसे बनाते हैं। टिक्कर के लिए गूंधा हुआ आटा, इसको बेलने के बाद इस पर तवे पर सेकते हैं और इसमें गड्ढे करते हैं। फिर इसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो लकड़ी के कोयले पर इसको सेका जाता है, वहाँ इसको फाइनल टच देते हैं। टिक्कर ये सिकने के बाद ये देखिए फाइनल इसको घी में कैसे गूंथा जा रहा है। देखिए दम आलू टिक्कर की प्लेट हमारी टेबल पर आ चुकी है। दम आलू ये हमारा टिक्कर देखिए टिक्कर की कितनी मोटाई होती है, और इसको घी में गोद दिया जाता है। उसके बाद सलाद के बाद ये हमारे लिए छाछ। ये कोरोना की वजह से डिस्पोजल वाले पेपर प्लेट इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी टेस्टी है, कोई तेज मसाले इसमें है नहीं, और इसके साथ जो छाछ दिया जाता है इससे इसका आनंद और ही बढ़ जाता है। मेरा नाम वरुण चतुर्वेदी है। तो आप बताएंगे ये इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है टिक्कर में? इसमें टिक्कर में आटा है गेहूं का, और बेसन है, सूजी है, सौंफ है, दही है, घी है, दूध है, सोडा भी लगाते हैं। तो ये खाना अधिकतर राजस्थान में चलता है? हाँ, में तो कहीं है नहीं। नहीं नहीं, राजस्थान में चलता है। राजस्थान में चलता है। और ये दम आलू, ये स्पेशल आलू की सब्ज़ी है, शुद्ध देसी घी से बनती है, इसमें काफ़ी प्रकार के मसाले होते हैं। मतलब मैंने टेस्ट किया, कम से कम ये तो अच्छा है कि इसमें तेज मसाले नहीं है, इसको बच्चे भी खा सकते हैं। हाँ, नॉर्मल मसाले हैं, और इसके साथ आप छाछ भी दे रहे हो। हाँ, छाछ भी दे रहे हैं। तो बिल्कुल, मतलब बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है। बिल्कुल, और हमारी तबीयत खुश हो गई। अगर आप कभी भी राजस्थान अगर आपका आना होता है, और ख़ासकर करौली, तो आप श्री राम टिक्कर दम आलू स्पेशल टिक्कर दम आलू वालों के यहाँ आइए और टिक्कर दम आलू का आनंद लीजिए। देखिए श्री राम टिक्कर दम आलू वालों के यहाँ सिर्फ एक यही डिश है जो तैयार की जाती है, इसके अलावा आपको और कोई आइटम नहीं मिलेगा। आप यहाँ कब से आ रहे हो ये टिक्कर खाने? दो तीन साल से। आपको कैसा टेस्ट लगा? मस्त। कैसा टेस्ट लगा इसका? बढ़िया लगा, मस्त। और कब से आ रहे हो आप? 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से हो गए। देखिए यहाँ लोग काफ़ी सालों से आ रहे हैं।